फ्रेंड्स वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहा हूँ। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी वी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। यहाँ पे हमको फिगर भी दी हुई है, मैं आपको फिगर में एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन पढ़ पढ़ के। तो दो सर्कल हैं, ये रहे मेरे दो सर्कल, एक छोटा एक बड़ा, और बी और सी पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये रहा बी ये रहा सी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद बी से पास होते हैं यानी थ्रू बी दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुई है ए बी डी और पी बी क्यू। ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी से पास करते हुए डी पॉइंट तक गई है पहली सेगमेंट ए बी डी। उसके बाद पी पॉइंट से स्टार्ट होके बी से पास करते हुए क्यू पॉइंट तक गई है हमारी दूसरी लाइन सेगमेंट पी बी क्यू, और ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट भी कर रही है। कहाँ पे? ए डी और पी बी क्यू पे, यानी जो ए बी डी लाइन सेगमेंट है वो इन सर्कल्स को ए पे और डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इसी तरह जो पी बी क्यू लाइन सेगमेंट है वो इन दोनों सर्कल्स को पी पे और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी, यानी एंगल ए सी पी, यानी ये वाला एंगल बराबर है एंगल क्यू सी डी के, यानी एंगल क्यू सी डी ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में बताया है कि ये दोनों सर्कल्स जो है वो बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं गिवन में लिख देता हूं सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी। अब आते हैं टू प्रूफ में, हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं यही लिख देता हूं एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, और मैंने फिगर में जो सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है उनसे वहां पे जो भी एंगल बन रहे हैं उन सबको नाम दे दिया है, और जिन एंगल्स को हमको इक्वल प्रूफ करना था वो भी सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बन रहे थे, तो उनको मैंने नाम दिया एंगल वन और एंगल टू। तो इसको मैं और करके लिख लेता हूं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। अब आते हम कंस्ट्रक्शन पे। देखिए जो दो हमारे लाइन सेगमेंट जा रहे थे, एक ए बी डी और दूसरा पी बी क्यू, उन दोनों के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे यानी ए और पी, मैंने उनको ज्वाइन कर दिया है, और जो एंडिंग पॉइंट्स थे यानी डी और क्यू, मैंने उनको भी ज्वाइन कर दिया है। तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ज्वाइन ए बी एंड डी क्यू। अब आते हैं हम प्रूफ पे जो कि हमारा मेन सॉल्यूशन पे। तो ये जो दो फिगर्स हैं, दो सर्कल्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर लिया है, ये यहाँ पे एडजॉइंट नहीं है। तो इन दोनों सर्कल्स में एक एक सेगमेंट है, एक ए पी और एक डी क्यू कंस्ट्रक्शन के बाद, और दोनों सेगमेंट्स पे, दोनों सेगमेंट सर्कल पे दो एंगल बना रहे हैं, एंगल थ्री और एंगल वन, और इसी तरह एंगल फोर और एंगल टू। और हमने पढ़ा है कि जब सॉरी एक सेगमेंट पे दो एंगल्स होते हैं तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं लिखता हूं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन और एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू, और इनका रीजन होगा सेम एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। अब आप इस बड़ी वाली फिगर में देखिए, जो एंगल थ्री और एंगल फोर है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी कि सपोज दो लाइन ऐसे हैं क्रॉस बना रही हैं, तो उनके जो दो सामने वाले एंगल्स होंगे जैसे कि ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट कहलाते हैं। इसी तरह ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो एंगल थ्री और एंगल फोर है वो भी इक्वल होंगे क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। तो मैं लिखता हूं एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। अब एंगल वन भी एंगल थ्री के इक्वल है और एंगल फोर भी एंगल थ्री के इक्वल है, तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन वन और इसको ले लेता हूं इक्वेशन टू और बची हुई को ले लेता हूं इक्वेशन थ्री। अब जब दो दो इक्वेशंस का एलएचएस सेम है तो उनको मैं इक्वल कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम वन एंड टू, यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, क्योंकि दोनों एंगल थ्री के इक्वल थे। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन फोर। अब इक्वेशन फोर एंगल फोर के इक्वल में है और इक्वेशन थ्री भी एंगल फोर के इक्वल में है, तो इनको भी मैं इक्वल कर देता हूं फ्रॉम थ्री एंड फोर। अब इसमें से हम फोर को हटा देंगे, सिर्फ वन और टू को लेंगे, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू।
और ये एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, यानी ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।